हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर सेकंड मात्रक एवं मापन के लेक्चर नंबर 11 में एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। विमीय विश्लेषण के दो अनुप्रयोग हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, आज हम तीसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो पहला अनुप्रयोग हमारा था संबंधों की सत्यता की जाँच करना, दूसरा रूपांतरण गुणांक ज्ञात करना और तीसरा अनुप्रयोग है हमारा सूत्रों का निगमन करना या भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, एक उदाहरण के थ्रू ही हम चलना है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है E, उसका मान वस्तु के द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। हमें यह नहीं पता निर्भरता का क्या कारक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ई का मान समानुपाती है, एम की पावर कोई भी वैल्यू दे देंगे, माना एक्स के, जी की पावर वाई के और एच की पावर जेड के, सबसे पहला इशू। साथ के साथ में दूसरा क्वेश्चन भी लेके चल रहा हूँ, उसे भी हम सॉल्व करेंगे। उसमें क्या है कि हम कह रहे हैं कि एक जो सरल लोलक है, पेंडुलम है, जब हम आगे पढ़ेंगे झूले का उदाहरण ले सकते हैं आप, झूले पे जो होते हैं जब आप एक इस टाइप से, तो माना ये एम द्रव्यमान की वस्तु एल लंबाई के झूले में रस्सी में बंधकर ऐसे घूम रही है, तो ये जो एक चक्र पूर्ण करती है इसमें इसका लगा समय जो है वो आवर्तकाल कहलाता है। तो इस आवर्तकाल की हमें संबद्धता ज्ञात करनी है, जिसका क्या संबंध बनेगा किस किस के साथ, कि जो आवर्तकाल है वो द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करता है, लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो हम यहाँ भी क्या लिख देंगे, समानुपाती। इसके बाद में पावर लगानी है, एक्स वाई जेड लगाइए या ई बी सी लगा दीजिए, वो आपकी इच्छा है, वो सब सिंबल है, वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएंगे। तो पहले स्टेप क्या है, एक राशि किन किन राशियों पर निर्भर कर रही है क्वेश्चन के अनुसार, उसे समानुपाती रूप से लिखकर अज्ञात घातें लगा देनी है। अगली बात, समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए विमाहीन और मात्रकहीन नियतांक का उपयोग करना है। यहां भी क्या बन गया, एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी, इसे आपको समीकरण नंबर एक मानना है, ये काम आएगा बाद में। अब आपको क्या करना है कि दोनों ओर विमाएं लिखनी है। तो ऊर्जा की विमा हम जानते हैं M1, L2, T-2, आरंभ में याद नहीं है तो आप इसको टेबल से देखकर लिखिए, लेकिन धीरे धीरे याद हो जाएगी। ये मात्रकहीन विमाहीन नियतांक है, तो M0, L0, T0। एम द्रव्यमान है, तो M1, L0, T0 की पावर एक्स। जी गुरुत्वीय त्वरण है, तो विमा क्या हो गई, M0 L1 T-2, उसे बाद में सॉल्व कर लेंगे उसी टाइप से, और M1 M0 L1 T-2 की पावर वाई, और H ऊंचाई है, तो M0 L1 T0 की पावर जेड। ये जो जीरो वाले पद हैं वो लिखने अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रारंभिक क्वेश्चन में हमने लिख लिए हैं, तो हम सॉल्व करेंगे इसे। ये क्या बना, M1 L2 T-2 बराबर, इधर M की सारी पावरों को सॉल्व कर लेंगे यानी कि जोड़ लेंगे, तो M की पावर यहाँ से 0 है, यहाँ से 1 इंटू एक्स तो एक्स है, यहाँ से 0 इंटू वाई तो 0 है, यहाँ से 0 इंटू जेड तो 0 है, इसलिए हम नहीं लिखते तो ऑलरेडी 0 हो जाती, यही पावर हमें काम आनी थी। ऐसे एल की पावरों को देख लेंगे, तो एल की पावर यहाँ से 0 है, यहाँ से 0 इंटू एक्स 0 है, यहाँ से 1 इंटू वाई वाई है, और यहाँ से 1 इंटू जेड जेड है। और सिमिलरली टी की पावरों को, टी में क्या है, यहाँ से 0, यहाँ से क्या बना, 0 इंटू एक्स 0, यहाँ से -2 इंटू वाई -2y, और यहाँ से 0 इंटू जेड 0। अब अगर ये समीकरण हमने सत्य बनाना चाहा है, और डेफिनेटली हम सही समीकरण सत्य समीकरण ही बनाएंगे, तो दोनों ओर विमाएं सही बराबर होनी चाहिए, इन विमाओं की तुलना कर लेंगे। तो यहां से m की पावर क्या बन रही है, x, इधर क्या बन रही है, 1, तो यहां से क्या होना चाहिए, तुलना करने पर आप ये भी लिख सकते हो, विमाओं की तुलना करने पर या धातु की तुलना करने पर एक्स बराबर क्या बन गया, डायरेक्टली 1, एक्स का मान तो डायरेक्ट आ गया। y प्लस जेड कितना बन गया, y प्लस जेड एल की पावर है, और ये बन गया अभी हमारे पास 2, और -2y कितना बन गया, वो बन गया -2। तो हम सबसे पहले से सॉल्व कर लेंगे, भाग लगा दिया तो y बराबर -2 बटे -2,
वाई का मान ली एक आ गया, यहां मान रख देंगे वाई का, तो एक प्लस जेड बराबर दो, तो जेड बराबर क्या आ गया, दो माइनस एक, यानी कि जेड का मान भी एक आ गया। ये जो मान आए हैं इन मानों को समीकरण एक रख देंगे, तो समीकरण एक में मान रखने पर, मान रखने के बाद क्या बन जाएगा, ये बना e बराबर एक m की पावर x एक, l की पावर फिर g की पावर y एक और h की पावर एक, यानी कि e बराबर क्या बन गया, k इंटू एम जी एच। भौतिक रूप से हम जानते हैं कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है e बराबर एम जी एच होती है। यहां से k कहां से आ गया, ये जो है वो मात्रकहीन और विमाहीन नियतांक है, वो अलग बात है कि उसका मान यहाँ एक है, वो हमें भौतिक विज्ञान के प्रयोगों से पता है, विमाहीन नियतांकों के बारे में नहीं बताती हैं, ये विमाओं की एक सीमा है, इसलिए यहाँ पर एक विमाहीन मात्रकहीन नियतांक आएगा ही आएगा। दूसरे उदाहरण से बात कर लेते हैं, थोड़ा आपको और स्ट्रांग हो जाएगा, समझ आ जाएगा। तो देखिए विधि वही है, विधि में कोई चेंज नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है, उनकी अज्ञात घातें बना दी, फिर एक समानुपाती चिन्ह लगा दिया और उसके बाद समीकरण एक नाम दे दिया। अब हमें विमाएं लिखनी है, तो टी आवर्त काल है, यानी एक चक्र में लगा समय, तो विमाएं क्या होती है, एम जीरो एल जीरो टी वन। के मात्रकहीन विमाहीन है, तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो। एम द्रव्यमान है, तो विमा एम वन, आप चाहें तो एल जीरो टी जीरो लिख सकते हैं, टी पावर ए। L लंबाई है, तो m0 l1 t0 की पावर b। g गुरुत्वीय त्वरण है, तो m0 l1 t-2 की पावर c। इधर बना m0 l0 t1, इधर की पावर उसको कर लिया, यहां से m की पावर 0, यहां से 1 इंटू a a, यहां से 0 इंटू b 0 और 0 इंटू c 0। l की पावर को देखा, तो यहां से 0, यहां से 0 इंटू ए 0, यहां से 1 इंटू बी बी और यहां से 1 इंटू सी सी देख पा। टी की पावर को देखा, तो टी की पावर यहां से 0, यहां से 0 इंटू ए 0, 0 इंटू बी 0 और माइनस 2 इंटू सी माइनस 2 सी, तो क्या बन गई, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1। और इधर से क्या बन गई, एम की पावर ए, L की पावर b प्लस सी और t की पावर माइनस टू सी, लिख देंगे तुलना करने पर। तो यहाँ m की पावर a है, इधर जीरो है, तो a बराबर जीरो आ गया। b प्लस सी का मान l की पावर अगेन जीरो है, जीरो आ गया, और माइनस टू सी का मान t की पावर वन है, वन आ गया। तो यहाँ से c बराबर क्या बन गया, माइनस एक बटे दो, a बराबर जीरो, यहाँ मान रख देंगे, तो b C का मान माइनस एक बटे दो बराबर जीरो, तो बी बराबर भी क्या हो गया, एक बटे दो प्लस। समीकरण एक में मानों को रख देंगे, तो P बराबर क्या बना, A गुणा एम की पावर जीरो, एल की पावर बी एक बटे दो और जी की पावर सी माइनस एक बटे दो। एम की पावर जीरो को लिखना अनिवार्य नहीं है, मन हो जाएगा। एल की पावर एक बटे दो है और जी की पावर माइनस एक बटे दो है, तो नीचे ले गए, यहां से बन गया टी बराबर ए, एक बटे दो पावर का मतलब होता है अंडर रूट, ऊपर अंडर रूट एल और नीचे अंडर रूट जी, एक साथ लिखना चाहे तो टी बराबर ए अंडर रूट और एल अपॉन जी। यानी कि जो आवर्त काल है वो द्रव्यमान पर तो निर्भर ही नहीं करता है, हमने वैसे ही लिया था। और जो ये संबंध निकल कर आया है वो आ गया है टी बराबर के अंडर रूट एल अपॉन जी। ये जो के है वो मात्रकहीन और विमाहीन नियतांक है, जिसके बारे में विमाएं नहीं बताती हैं, लेकिन जब भौतिक प्रयोगों के द्वारा ऐसे किया जाता है तो ये प्राप्त होता है टी बराबर टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। जिस संबंध को हम आगे जाकर तरंगे पढ़ेंगे, दोलन पढ़ेंगे, तो हम निकालेंगे भी, लेकिन अभी के लिए आप लोगों को याद तो नहीं करना, लेकिन थोड़ा ध्यान देना है के का जो मान है वो टू पाई होता है, विमाएं उसके बारे में बताएंगे नहीं, इसलिए आपका आंसर तो यहीं फिनिश हो जाएगा। तो हमने ये ज्ञात कर लिया कि आवर्त काल वस्तु के द्रव्यमान, प्रभावी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर किस प्रकार निर्भर करता है। हमें पता चला कि द्रव्यमान पर तो निर्भर ही नहीं करता है, लंबाई के अंडर रूट या वर्गमूल के समानुपाती होता है और गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से हम भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं या नए नए सूत्रों का निगमन कर सकते हैं, किसके द्वारा, विमीय विश्लेषण के द्वारा।
लेकिन इसमें एक समस्या और है कि हम यहाँ जब तुलना कर रहे हैं घातों की, तो साधारणतया हमारी जो राशियां हैं वो द्रव्यमान, लंबाई और समय पर निर्भर करने वाली हैं। तो हमारी तीन घातों की तुलना से तीन संबंध बन जाते हैं, तीन संबंधों से हम तीन राशियों को इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन भौतिक विज्ञान में तो ऐसे संबंध भी होते हैं कि एक राशि तीन से अधिक राशियों पर भी निर्भर करती है। तो वह भौतिक संबंध जिसमें एक राशि तीन राशियों से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, उसे हम विमीय विश्लेषण से व्युत्पन्न नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट जो कि पहले ही काम में आ चुका है कि विमीय विश्लेषण संख्यात्मक मानों के बारे में कुछ नहीं बता सकता। और तीसरा, जिन संबंधों में एक राशि दूसरे राशियों के गुणनफल के रूप में होंगी, उन्हें तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर बीच में प्लस माइनस ऐसा आ रहा हो तो उन्हें हम व्युत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें प्लस आ रहा है, बीच में हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। और अगला, जिनमें विमाहीन और मात्रकहीन कुछ और पद आते हैं, जैसे स्नेल का नियम आपने 10th में पढ़ा था कि अपवर्तनांक μ21 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, इस टाइप के संबंधों को जिनमें त्रिकोणमितीय फलन आ रहे हैं उनको आप यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये मात्रकहीन विमाहीन होते हैं। इनकी बात हम अगले क्लास में पुनः करेंगे, इसमें विमीय विश्लेषण की सीमाओं में। अभी हमने तीनों अनुप्रयोग इसके अध्ययन कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।